तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में शुक्र और मंगल की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर ये युति आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में अगर बन रही हो तो आपको यहाँ कैसा प्रभाव ये युति दे सकती है। यहाँ देखिए शुक्र अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे जबकि मंगल आपके लग्नेश होकर यहाँ स्थित होंगे और मंगल आपके आठवें भाव के स्वामी होने के साथ साथ शुक्र आपके सातवें भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा पैसा और धन दौलत देगा। इसके साथ साथ आप उस पैसे को या उस धन दौलत को काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर सकेंगे। यहाँ पर अब आपकी लाइफ स्टाइल पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेविस लाइफ जी रहे हो। अब मंगल यहाँ शुक्र के साथ आ गए तो मंगल की वजह से यानी खुद के एफर्ट की वजह से, खुद के प्रयासों की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति और लग्जरी अर्जित कर सकते हो। मंगल आपके लगन के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ का गोल रहेगा वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल पाने का रहेगा और बहुत ज़्यादा लग्जरी हासिल करने का रहेगा। इस केस में आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं जो आपको सडन गेन दे सकते हैं, जैसे कि आपको माता पिता के थ्रू भी बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति मिलने के चांसेस बनेंगे और विवाह होने के पश्चात भी आपको बहुत ज़्यादा धन मिलने के संकेत इस युति से मिलते हैं। यहाँ पर लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल क्या अस्त तो नहीं है। अगर मंगल अस्त हो जाते तो मंगल का प्रभाव और भी तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर अगर यहाँ शुक्र वक्री हो जाते हैं तब आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है धन या संपत्ति अर्जित करने के लिए। इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पर आपको मंगल की जो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत कोई हाई एक्सपेक्टेशन या कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपको धन का नुकसान हो जाए और आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर होंगे इस युति की वजह से। अब देखिए जो मंगल हैं, मंगल आपको एक्साइटमेंट हमेशा उत्पन्न करते रहेंगे, तो ऐसे में आप जीवन में हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और कोई भी लाइफ में टारगेट जिसको आप डिसाइड करते हैं आपके लिए वो असंभव नहीं होगा। तो इस कंजक्शन की वजह से आप कितना भी ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं और कितना भी अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन वास्तव में ये लाइफ को एंजॉय करने वाली स्थिति है यहाँ पे। अब आपको ये देखना पड़ेगा इस कंजक्शन पे किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा हो तो वो कौन सा ग्रह है और वो किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। जैसे कि अगर युति है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अगर दृष्टि संबंध है तो उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना युति में पड़ता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मेनली अब आप कितना ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे और कितना ज़्यादा उससे संतुष्ट होंगे ये शुक्र पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो शुक्र है अब वो वक्री नहीं होने चाहिए और शुक्र अगर मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो इससे आपको धन संपत्ति बहुत जल्दी प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। अब शुक्र आपके सातवें भाव के स्वामी हैं तो विवाह से और अपने जीवन साथी से भी आप बहुत ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके खाने पीने पे, आपके रहन सहन पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा ये कंजक्शन के होते हुए, तो आपको इन सब के लिए रेडी रहना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कंजक्शन आपको लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट उत्पन्न करेगा प्रत्येक काम को करने के लिए, और आपका पर्टिकुलरली कोई ना कोई गोल हो सकता है, कोई ना कोई आपका टारगेट हो सकता है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उस गोल को प्राप्त करना या उस टारगेट को प्राप्त करना आपके फोकस में रहेगा और ये पॉसिबल होगा मंगल की वजह से। अब मंगल क्योंकि आठवें भाव के स्वामी हैं और यहाँ से वो अपने घर को एस्पेक्ट भी करेंगे तो आपको जीवन में बहुत सारा धन या पैसा या संपत्ति ऐसे मिल सकती है जिसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करी हो और दूसरों के आशीर्वाद से वो आपको मिल रहा हो या फिर पार्टनरशिप करके आपको मिल रहा हो। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपने जीवन साथी के साथ भी या जीवन साथी की फैमिली के साथ भी किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप करके काम कर सकते हैं। ये कंजक्शन आपको बहुत सारे हिडन रिलेशनशिप और हिडन इनकम सोर्स की तरफ भी लेकर जा सकता है, बट वास्तव में ये कंजक्शन में आप लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे और अपनी बहुत सारी जो इच्छाएँ हैं धन संपत्ति को लेकर आप उनको भी पूरा कर सकेंगे। अब क्योंकि शुक्र जो है वो अपने ही घर में होंगे तो निश्चित रूप से ही यहाँ शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होंगे और मंगल साथ आने की वजह से अब आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को अचीव करने में आसानी से मदद मिल सकेगी। कुछ हद तक इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना बन सकती है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी जान पहचान का हो सकता है या आपकी फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वो उनको जानते हों और कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली और आपकी लाइफ स्टाइल में आपके विवाह के पश्चात बहुत बड़ा योगदान करेगा। अगर मान लो ये स्थिति स्त्री के चार्ट में बन रही है, स्त्री के चार्ट में बन रही है तो उसको पुरुष से बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस रहते हैं विवाह के पश्चात और वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करती है जीवन साथी की फैमिली में, तो अब आप एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और ये कंजक्शन और भी बहुत सारी मल्टीपल ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करेगा जहाँ पर आप
धन संपत्ति के मामले में या जो भी चीज़ आपको भौतिक सुख दे सकती है वो हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको इस कंजक्शन को इस हिसाब से देखना जरूर चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जो मंगल का दृष्टि वो आपके पाँचवें भाव पे रहता है, और जब शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे, आपको स्किल्स बहुत ज़्यादा देंगे। अब इन स्किल्स का फ़ायदा उठा के आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ये आपको समझना है। तो मंगल यहाँ जो पांचवें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होगा जब आप बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, लेकिन लगभग हर काम के लिए आपको एक्साइटमेंट रहेगा और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे उसके बाद मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी, जैसे आठवें भाव की तो हमने बात कर ली, नवम भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा जो कंजक्शन है वो एक तरफ आपको अध्यात्म की तरफ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका झुकाए रखेगा या आपका मन उस साइड भी लगा रहेगा, और मैन जो आपका मोटिव होगा लाइफ का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने का ही रहेगा। तो ये कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आ सकते हैं जब भी ये कंजक्शन आपके मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में बनेगा।